जगदीश को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही है, इतने गेम खेल रही है, क्यों भाभी क्यों? क्या इन सब बातों के पीछे आपका अपने मायके के लिए प्यार है? या फिर जिसे आप जगदीश के निर्दोष होने की लड़ाई का नाम दे रही हैं, वो आपके अपने पहले पति के लिए दबी हुई फीलिंग है? Shut up, चाची. Shut up. Sorry भाई, लेकिन आप नहीं जानते कि भाभी ने कितना बड़ा झूठ बोला है. इनका कहना है कि मैं सब जानता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं. सॉरी सांची, एक फ्रेंड होने के नाते मुझे तेरे सारे सीक्रेट सीक्रेट ही रखने थे. पर तेरे इस पागलपन को भी तो रोकना था ना, वरना आगे जाके बहुत नुकसान होता तुझे. और एक फ्रेंड होने के नाते मैं ये नहीं होने देना चाहती थी. आनंदी भाभी ने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है. सांची सिर्फ जगदीश से मतलब रखना चाहती थी, उनकी फैमिली को लेकर कोई फीलिंग नहीं थी इसके मन में. उनसे प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट देना और उनकी रीति रिवाज फॉलो करने की कोशिश करना वो सब एक नाटक था, ताकि जगदीश और उनकी फैमिली बिना किसी डाउट के इसे अपना ले. उस दिन कॉफ़ी शॉप में भी इसने जो कुछ भी कहा था वो सब अपने दिल की बात कही थी. शादी के बाद जगदीश और उनकी फैमिली को कैसे अलग किया जाए ये प्लानिंग ये बहुत पहले से कर रही थी. मुझे बहुत बुरा लग रहा था और काफ़ी बार सोचा भी कि सांची को समझाओ, लेकिन उससे पहले तो ये हो ही गया. और जब आनंदी भाभी ने मुझसे कहा कि मेरे आप सब लोगों को सच्चाई बताने से ना सिर्फ जगदीश की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचेगी बल्कि सांची भी इस पागलपन के चैप्टर को क्लोज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी, तो मुझे भी लगा कि यही सही वक्त है जब मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ कर सकती हूँ. इसलिए ये झूठ बोल रही है, ये सही नहीं है. इसे भड़काया है आनंदी भाभी ने, अशोक भैया को भी. पता नहीं जगदीश को बचाने के लिए कितने गेम्स खेले गए. बस करो साची, अब कोई मतलब नहीं इन बातों का. तुम्हारा झूठ सबके सामने आ चुका है. झूठ मैं बोल रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अब देखिए ना, देखिए ना अशोक भैया क्या कह रहे हैं. मैं इनकी छोटी बहन हूँ मगर फिर भी मुझ पर भरोसा के बजाय आनंदी भाभी पर भरोसा कर रहे. मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे भैया किसी को मुझ पर यकीन नहीं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और अब तो शायद आप लोगों को भी मुझ पर यकीन नहीं होगा. आप लोगों को भी यही लग रहा होगा ना कि मैं ही गलत हूँ. क्यों जिंदा बच गई मैं? इससे अच्छा तो यही होता कि थोड़ा और खून बह गया होता और मैं उसी दिन मर जाती. कम से कम इतना दर्द इतनी बेइज्जती तो नहीं सहन करनी पड़ती मुझे. ये सब आनंदी भाभी की वजह से हुआ है. सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती रही और दूसरी तरफ जगदीश को मुझसे दूर करके उन्हें गंगा से शादी करने के लिए उकसाती रही. फिर धीरे धीरे मेरे भैया को भी मुझसे अलग कर दिया इन्होंने. मुझे तो लगता है इन्होंने मुझे बचाया भी इसीलिए क्योंकि इनका बदला पूरा नहीं हुआ था. मन नहीं भरा था इन्हें मुझे तकलीफ देकर. जीत गई आप और मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड अपने भैया शायद अपने पूरे परिवार से भी हार गई आज. सबकी नजरों में मुझे शक दिख रहा है, किसी को मुझ पर यकीन नहीं है. मैं बुरी हूँ, झूठी हूँ. चले जाइए आप सब लोग मुझे छोड़कर. नफरत कीजिए मुझसे क्योंकि मैं ऐसे अकेला आया हूँ. झूठी हूँ, चाल बाज हूँ, बेईमान हूँ मैं. आपने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने बारे में सच कहा है सांची जी.
झूठी है, बेईमान है और चालबाज भी है। और इस वक्त भी जॉब कर रही है वो, नाटक के अलावा कुछ नहीं। आप सबको सांची जी की जो सच्चाई पता चली, अगर वो काफी नहीं है, मैं कुछ सच्चाई सांची जी के बारे में और बोलना चाहती हूँ। सांची जी ने जो कुछ भी मुझे कल रात कहा वो आप सबको भी जरूर सुननी चाहिए। सांची जी, आपने अब तक जो किया किया, अब और नहीं। अपने पति की जिंदगी में और परेशानियां मैं किसी को नहीं लाने दूंगी। गंगा, मैं जानती हूँ तुम्हारी हर बात सही है और मैं ये भी जानती हूँ कि जगदीश इनोसेंट है, लेकिन कोर्ट में तुम ये बात कैसे प्रूफ करोगी? आप अच्छा नहीं कर रही सांची जी। हाँ, लेकिन ये कदम उठाने पर जगदीश ने ही मुझे मजबूर किया। क्या क्या नहीं किया मैंने जगदीश के लिए? वो भारी भरकम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना, खाना बनाना, मना होने पर भी सबके सामने जबरदस्ती स्माइल करना, गाँव के नाम से नफरत होते हुए भी गाँव में ही रहने की बात करना, नाटक करना पड़ा मुझे। उसने जगदीश को तुम्हारी मांग करते हुए देखकर भी मुझे यही लगा कि नहीं, जगदीश सिर्फ मेरे हैं और मैं अब भी उन्हें वापस पा सकती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी कलाई काटी। मैं इससे बेवकूफ नहीं हूँ कि इमोशनल होकर के पल भर में अपनी जान ले लूँ। ये तो सिर्फ एक बहाना था जगदीश को वापस अपने पास बुलाने का। मुझे लगा था कि ये न्यूज़ सुनकर जगदीश दौड़े चले आएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि जिस इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही हूँ वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी फेरे ले रहा है। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जगदीश से बदला लूंगी। और ऐसा स्टेटमेंट दिया पुलिस में जिससे कि मुझे सुसाइड के लिए मजबूर करने का इल्जाम जगदीश पर लग गया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत तकलीफें उठा ली है, अब उन्हें माफ कर दीजिए, केस वापस ले लीजिए। मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम जगदीश की जिंदगी से दूर चली जाओ। अग्नि को साक्षी मानकर उनसे बंधन जोड़ा है मैंने, कभी नहीं तोड़ूंगी। तो फिर भुगतो, एक में माफी क्यों मांग रही हो? तुम देख लेना, जगदीश जरूर जेल जाएंगे और सालों तक वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं मॉम, इट्स अ ट्रैप। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आई नेवर डिड। बस झूठ ने एक बार फिर साबित कर दियो एक बहुत बड़े सच को कि हमारे परिवार की रक्षा करने देवी माँ आड़े हाथों खड़ी रहे हमेशा, समझी? जब जगदीश ने इससे रिश्ता तोड़ा कितनी तकलीफ हुई मारे को, पर अब तो जे सोच के कागजा थे जावे मारो कि थारे से ब्याह क्यों हो तो तय हो तो हमारे घर परिवार का। और आपने सुनी ना आनंदी की, और जितनी सुनी उतनी समझ ना आई तो उसे ठहरा दियो छोरी को। तो अब जान लो आपकी बहू ने अपने मायके वालों का साथ ना दियो, इसने साथ दियो सच्चाई का। उम्मीद करूं कि अब हमारी बेटी का लिहाज करोगे आप लोग, कदर करोगे इसकी। और जहां तक आपकी बेटी का सवाल है तो इसने तो कोई कसर ना छोड़ी हमारे घर के चिराग को बुझाने में, और कैद से तो इसके लिए हमारे मुंह से बद्दुआ निकलनी चाहिए। लेकिन बड़े होने का मान और आप लोगों से हमारा रिश्ता ये ना भूल सकूं मैं।
तो ही कहना चाहूंगी, इस छोरी को जरा सदबुद्धि दो, सिखाओ इसे सच्चाई बैठे पानी की तरह होवे, कोई भी चट्टान पहाड़ आ जावे बीच में वो अपना रास्ता ढूंढ निकाले। मरते तब तक भूल ना पाऊंगी तुझे, अपनी कोख चली औलाद से ज्यादा विश्वास तुझ पर किया मैंने, आनंदी की जगह देनी चाहिए तुझे अपने घर में, और तू साची, ठीक है आप? अगर आप चाहे तो केस अगली डेट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। Your Honor, कुछ नई डेवलपमेंट्स की वजह से मेरी क्लाइंट मिस साची शेखर अपना बयान वापस लेना चाहती हैं। और चूंकि उनके बयान के आधार पर ही राजस्थान सरकार की तरफ से इस मुकदमे को दायर किया गया था, इसीलिए अब इनके बयान के वापस लेने पर राजस्थान सरकार इस केस को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। स्ट्रेंज, मिस साची के अचानक लिए इस फैसले की वजह? योर ऑनर, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से गौर करने के बाद मिस साची को ये एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ थोड़ी जल्दबाजी में उन्होंने कुछ वक्ती जज्बातों में बहकर ये कदम उठा लिया था। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इसे इनकी गलती ना मानते हुए और इनकी मेंटली अनस्टेबल कंडीशन को देखते हुए इस केस को खत्म करने की इजाजत दी जाए। मिस्टर जिंदाल, एक सीनियर लॉयर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता था कि शुरू में ही आप अपने क्लाइंट को इस मामले से जुड़ी हर बारीकी बताकर सही फैसला लेने में उनकी मदद करते। ऐसा हुआ होता तो अदालत का वक्त अननेसेसरी खराब ना हुआ होता। एनीवे, मिस साची शेखर की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट राजस्थान सरकार को इस केस को वापस लेने की इजाजत देती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी नागरिक होने के नाते मिस साची शेखर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऑलरेडी अदालत में हजारों केसेस जस्टिस के लिए पेंडिंग है। ऐसे में अदालत का वक्त इस तरह जाया करना मॉरली और लॉफुली भी गलत है, और इस बात के लिए अदालत मिस साची शेखर को जुर्माना भरने का हुक्म सुनाती है। इसके अलावा मिस साची शेखर पर आत्महत्या करने की कोशिश का भी आरोप है, तो इसके लिए भी अदालत साची शेखर को जुर्माना भरने का हुक्म सुनाती है। मिस्टर जगदीश सिंह के खिलाफ दायर किए गए आरोपों को रद्द करते हुए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। You're welcome and congratulations. You're a free man now.
संतान के प्रति अंधा मोह न केवल उसके भविष्य को क्षति पहुंचाता है बल्कि परिवार के लिए भी शर्मिंदगी और संकट का कारण बन सकता है।